Massive showdown between the farmers and the centre in the ongoing Farmers Delhi Chalo march. Chaos followed at Delhi borders with cops firing tear gas shells at the Shambhu border. Now, amid this massive escalation, Agriculture Minister has appealed for peace. Farmers are in a huddle after centre offered to hold talks. They've halted the march for now. Centre and Haryana government had moved an urgent application before the Punjab and Haryana High Court seeking to stop the farmers from marching to Delhi. Agriculture Minister Arjun Munda said that the government was ready to hold talks, another round of talks with the farmer unions. He said the centre is ready to discuss with the farmers on issues of MSP, FIRs filed against them, crop diversification and stubble burning as well. हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान की दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई पेस्टी इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टालमटोल की नीति है। क्या मसला क्या है, कहाँ जाने की तैयारी है? ये पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पे जाएंगे, पूरे देश भर में जा रहे हैं। आज प्रदर्शन है पूरे देश भर में। अच्छा, ये बात है कि दिल्ली के लिए भी कुछ किसान यूनियन कूच कर रहे हैं, आप लोगों की क्या तैयारी, क्या दिल्ली कूच की भी तैयारी है? दिल्ली अभी एसकेएम की जो भी मीटिंग होगी और उसमें तय होगा, अगर दिल्ली जाने का होगा तो दिल्ली चलेंगे, दूसरे तरह का प्रदर्शन करना होगा तो वो करेंगे। तो क्या अभी कोई फाइनल जो है वो क्या एसकेएम की मीटिंग में होगा? अभी कल मीटिंग होगी एसकेएम की, तो उसमें हम तय करेंगे कि आगे की क्या क्या आंदोलन करना है। आगे अगर 4 भाई हैं और एक को कोई पीटता है तो दूसरे चाहे उनकी बोलचाल भी ना हो फिर भी वो डंडा ठा के साथ में आ जाते हैं। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार भी संयम बरते और किसान भी संयम बरते और इस मामले को किसी न किसी तरह से बैठ के टालें। अनहोनी कोई हो जाए तो वापस नहीं आती, लड़ाई का मुंह काला होता है। हम फिर भी जितना हमारे से बन पड़ रहा है उतना सहयोग कर रहे हैं। पहले हमने एक दिन 3 घंटे का टोल बंद भी रखा है, एक दिन ट्रैक्टर यात्रा भी पूरे हरियाणा में सभी शहरों में की है और भी आगे जैसे सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। पॉलिटिक्स ब्रेक्स आउट ओवर प्रोटेस्टिंग फार्मर्स मार्चिंग टुवर्ड्स द नेशनल कैपिटल। आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है, समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी भी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता है, किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। उनकी जो भी वो गरीब है, अमीर तो नहीं है ना किसान। ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं किसान, इन लोगों ने तो बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नेताओं ने। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज, किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? अब पहली बात तो ये है कि उनको ट्रैक्टर, टाली और क्रेन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, जब वार्ता चल रही थी 3 दिन तक तो किसानों ने आंदोलन को बंद किया था, ब्रेक किया था ना। तो आप सामने कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, उससे भी सामने की चीजें तय होती हैं। अगर किसानों पे आपको विश्वास है तो फिर उसी तरह से उनसे वार्ता करने की जरूरत है। और इस दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। मुझे लगता है कि एक अविश्वास की स्थिति जो बनाई जा रही है, मुझे लगता है कि उससे समाधान नहीं निकलेगा। समाधान के लिए विश्वास करना पड़ेगा और जो वादा किया था सरकार ने उसे पूरा करना पड़ेगा।